गाड़ी सुपर है यार, ये गाड़ी इतनी अमेजिंग है, इसके एक्सपीरियंस, इसका कंफर्ट, इसके स्पीकर्स, इसका एवरीथिंग, मतलब यार ऐसी गाड़ी मैंने आज तक नहीं देखी। तो भाई ने अभी हैंडलिंग की बात करी, मैंने 1 लीटर वर्टस चलाई थी और भाई ने बिल्कुल सही कहा, इसकी हैंडलिंग टॉप नॉच है, इसको टर्न्स पे चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि यू नो आप कंट्रोल में नहीं हो कार के। अगर आप देखो तो इस बजट में ये गाड़ी टॉप नॉच है भाई। तो काफ़ी ओनर्स ने लॉन्ग जर्नी में बोला है कि सस्पेंशन इसका काफ़ी स्टिफ है क्योंकि ये परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी देती है। इसमें हमारा भाई 40-50,000 तो लग गया, 40-50,000 रुपए। और भाई की वन ऑफ द कार्स है इन द गैराज, तो उनसे जानेंगे क्या क्या चीजें उनको इस कार में अच्छी लगती है। टॉप मॉडल है तो फीचर लोडेड तो है ही ये कार, सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इन द कार। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है शेख खट्टर और आज आप देख रहे हैं एक नया वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास है फोक्सवैगन वोल्टस GT प्लस और ये मेरे भाई गौरव मुद्गिल की है। तो आज जानते हैं उनसे, 6 महीने का उनका ओनरशिप एक्सपीरियंस है, 5,000 किलोमीटर हो चुके हैं इस गाड़ी को चलाते हुए और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने करा रखी है इस कार में, जिस वजह से इसकी कॉस्ट आ जाती है 26 लाख रुपये। तो आज की वीडियो में जानते हैं क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है, क्या है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और क्या 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 ऐसा काम कराया जिस वजह से इसकी कॉस्ट 26 लाख रुपए है। और अगर आप वोल्टस GT लेना चाहते हैं तो क्या जो ओनर है वो रेकमेंड करते हैं आपको ये गाड़ी लेने के लिए कि नहीं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद द वीडियो गाइस। भाई मेरा पूरा नाम है गौरव मुद्गिल, मैं वेस्ट दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। तो अभी मैं अपनी स्टडीज़ परस्यू कर रहा हूँ, उसके साथ साथ आई एम अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और मतलब भाई मेरे पास काफ़ी टाइटल्स भी हैं, जैसे मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली, इवन मैंने पिछले साल अभी मसल मेनिया रनर अप भी रह चुका हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं गाड़ी के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। बिल्कुल वोल्टस GT प्लस है आपके पास 1.5 लीटर, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब 26 लाख की ये गाड़ी पड़ी है, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग इस गाड़ी कैसे, क्योंकि 21-22 लाख तक ये कहते हैं लोग आ जाती है। तो GT प्लस मॉडल है तो इसमें ऐसा क्या करा रखा है कि कार 26 लाख की पड़ी आपको? भाई ये 26 लाख की ऐसे पड़ती है, इसमें मैंने इंश्योरेंस, सिरेमिक कोटिंग, PPF सब मिला के भाई ये इतने की पड़ती है। और भाई इस ये गाड़ी GT नहीं है, गाड़ी GT प्लस है। और लेकिन इसके बहुत फायदे हैं, देखो यार एक लग्जरी गाड़ी में काउंट होती है ये, इवन मैंने काफ़ी ड्रैग रेसेस कर रखी हैं लाइक Audi A4, Audi A3 के साथ, तो उनको भी इसने बीट करा है। तो मतलब तुम एक लग्जरी रेसिंग कार इस चीज़ को बोल सकते हो, राइट। और उसके बाद की बात है यार, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है कि तुम्हें हाथी पाल रहे हो। हाथी पालना मीन्स भाई ये 2 की माइलेज देती है, मतलब 2 से स्टार्ट होती है। और भाई अगर तुम दिल्ली के ट्रैफिक पे हो तब तो भाई ये 500 या 600 ऊपर पड़ेगी नहीं, बट या अगर तुम्हें खुले सारे एक हाईवे पे हो तब तो यार फॉर श्योर 12-13 तो आराम से पहुँच ही जाती है। ठीक है, शुरू करते हैं। आपने माइलेज की बात करी कि 2 की माइलेज है, तो ये स्टार्ट करने के कितनी देर के बाद तक जो है 12-13 की जो आप कह रहे हो माइलेज पकड़ती है बाद में, तो वो कितनी देर लगती है वो माइलेज तक आने में, मतलब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कितना टाइम लगता है? भाई 12-13 की मैंने बात तब करी है जब तुम एक थोड़ा बहुत खुला रोड पर चलते हो। सपोज जैसे कि रात को अगर तुम बोलो कहीं तुम लेट नाइट गए, रात को इतना ट्रैफिक नहीं होता, तो यार तब तुम्हें 12-13 की दे देगी। लेकिन अदरवाइज अगर तुम नॉर्मल जैसे तुम्हें दिल्ली का ट्रैफिक है या नॉर्मल ट्रैफिक की रोड होती है तो यार वो तुम्हें मैक्स टू मैक्स 5 से 6 तक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। ओके, तो एवरेज अगर बात करें सिटी ट्रैफिक में तो 6-7 की एवरेज है, राइट? तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यही कार क्यों लिया आपने? इस कार के बजट में आप बहुत सारी कार्स आ जाती हैं, SUVs भी, सेडान्स भी, तो व्हाई ओनली वोल्टस, व्हाई नॉट एनी अदर कार? ये चीज मैंने भी सोची थी, बट टू बी ऑनेस्ट मेरी फैमिली अब भी SUVs प्रेफर नहीं करती, और जहां तक सेडान की बात है मेरी फैमिली को सेडान बहुत पसंद है, हमारे पास पहले भी सेडान कार्स रह चुकी हैं। और रही बात इस गाड़ी की, भाई उस टाइम पे अभी 5-6 महीने पहले या अभी भी अगर आप देखो तो इस बजट में ये गाड़ी टॉप नॉच है। इसके आगे आई डोंट थिंक सो कि जिस गाड़ी जो गाड़ी A3 A4 जैसे को भी ट्रैक में डिफीट कर रही है भाई, और उस गाड़ी का तो भाई आई गेस कंपैरिजन ही नहीं है एक नॉर्मल कार से। आप जहाँ भी जाओगे ये लग्जरी का भी, ये प्रीमियम गाड़ी भी है, ये रेसिंग गाड़ी भी है। तो यार और रही बात इसकी हैंडलिंग की, यार वो तो अमेजिंग है, मतलब
कभी भी एक हल्का सा भी प्रेशर फील नहीं होता इसको ड्राइव करते हुए, उल्टा आई एंजॉय द मोस्ट। अभी मैं रिसेंटली जयपुर लेके गया था गाड़ी को, मैंने नॉन स्टॉप एक गाड़ी चलाई और मुझे ज़रा सा भी हेक्टिक नहीं लगा। सो इस गाड़ी ने वही प्रूफ कर दिया दैट ये कितनी केपेबल है। तो भाई ने अभी हैंडलिंग की बात करी, मैंने 1 लीटर वर्टस चलाई थी और भाई ने बिल्कुल सही कहा, इसकी हैंडलिंग टॉप नॉच है। इसको टर्न्स पे चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि यू नो आप कंट्रोल में नहीं हो कार के। तो भाई मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि और कौन कौन सी कार्स कंसिडर की थी ये कार लेने से पहले, एक बार उसके बारे में डिटेल में बताइए। भाई देखो टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है हमारी इंडियन रोड्स पे। जैसे उस टाइम पे हमने कंसिडर करी थी A3 भी कंसिडर करी थी, बात बजट की नहीं थी, बात था कि उससे ऊपर हमें कम बजट में अगर गाड़ी मिल रही है तो वो ये। बाकी हेक्टर प्लस भी करी थी, XUV 700 भी करी थी, जीप कंपस भी करी थी, बट यार हमें टू बी ऑनेस्ट बेस्ट यही गाड़ी लगी। सो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें अंदर हैं कार के, भाई से जानते हैं क्या क्या चीजें उन्होंने डिस्कवर करी जब ये न्यू कार ली। तो भाई फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पर टॉप मॉडल है 26 लाख का, तो इसमें आई एम वेरी श्योर कि भाई फीचर्स पूरे भर भर के लोडेड हैं। तो एक बार आप बताएं कि आपने क्या क्या डिस्कवर करा है गाड़ी में जब आपने ली, और क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और यूजफुल लगती है आपको डेली यूज में। भाई मुझे लगा था फोक्सवैगन है सिर्फ इंजन स्पेशलिटी है, बट नहीं भाई, भाई इसके स्पीकर्स, भाई एक ही सिर्फ वर्ड निकलता है इसके स्पीकर से म्यूजिक सुन के, भाई फैंटास्टिक। भाई दूसरा इसका इंटीरियर, भाई इसकी डिफॉल्ट एम्बिएंट लाइटिंग जो लोग बाहर से लगवाते हैं, भाई भाई बहुत चीज़ें हैं यार, ये बहुत स्पेशियस गाड़ी है भाई, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। आजकल आप गाड़ी में देखते हो कि इसमें भी वेंटिलेटेड सीट्स हैं आगे पीछे, भाई भाई बहुत चीज़ें हैं इसमें, पीछे ग्लास होल्डर भी है भाई पीछे सीट्स में, मतलब पूरी प्रीमियम कार है यार ये। नहीं तो काफी ओनर्स ने लॉन्ग जर्नी में बोला है कि सस्पेंशन इसका काफी स्टिफ है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी देती है, उसका सस्पेंशन कहीं ना कहीं स्टिफ है, जो कि लॉन्ग राइड्स पे जब बहुत ज्यादा बम्पी राइड होती है तो थोड़ा बैक में अनकंफर्टेबल होता है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है लॉन्ग ड्राइव जर्नीज में, और आपको क्या ये चीज कभी चुभी है कि हाँ इसमें कम्फर्ट की कमी है या आपके बैक में पेन हो रही है? भाई जैसे मैंने आपको अभी बताया, भाई कंफर्ट की तो कोई कमी नहीं है यार, मैंने आपको बताया मैं नॉन स्टॉप जयपुर चला के गया हूँ, इवन मेरा डैड भी इसको ड्राइव करते हैं, हमारी और भी कार्स हैं भाई उससे तो मच मच बेटर कंफर्ट में भी है, तो इंजन तो बाकी आपको पता ही है। तो भाई आई डोंट थिंक सो कि ऐसे ऐसा कोई प्रॉब्लम है, हाँ बस एक वही है यार कि माइलेज बहुत कम है, बट कम्फर्ट में कोई इशू नहीं है। कम्फर्ट में कोई इशू नहीं है यार, जो आगे की सीट्स हैं पीछे की सीट्स हैं, मेरी फैमिली भी जाती है यार इस कार में, तो कोई इशू नहीं है यार, सब आराम से बैठ के जाते हैं, स्पेस तो है ही बहुत स्पेशियस। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गाड़ी जो है अभी रेड लाइट पे रुके हैं हम, यहाँ पे रेड लाइट है एंड यहाँ पे देखा मैंने कि इंजन अपने आप ऑफ हो गया है, तो ये क्या सिस्टम है इस कार में, आप थोड़ा बताइए इसमें भी। भाई सी इसमें एक फीचर है जो हम बात करना शायद पहले भूल गए थे, वो ये है भाई कि जैसे गाड़ी ऐसे ऑटोमेटिकली न्यूट्रल पर जाएगी, हम कहीं रोकते हैं सपोज रेड लाइट्स होती हैं या स्टॉपेजेस होते हैं, तो भाई ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही हम इसका स्टेयरिंग भी इवन ऐसे टच करेंगे, देखो जैसे आपने देखा ये गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई इसमें हमारा फ्यूल भी बहुत सेव होता है और गाड़ी का इंजन भी काफ़ी अच्छा रिफाइंड रहता है, तो मतलब जहाँ हमें रोकना है हमें ये नहीं कि चाबी घुमानी पड़ेगी या कुछ बटन ऑफ करना पड़ेगा, यार ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो अब देखेंगे, आपने जब स्टेयरिंग पकड़ा तो गाड़ी ऑन हो गई थी, अब गाड़ी वापस से ऑफ हो गई है, यहाँ पे आप देखेंगे देखो भाई फिर से ऑन हो गई गाड़ी, शायद माइक में ये आवाज नहीं पकड़ रहा होगा बट एक्चुअल में यहाँ पे अगर आप बैठे तो हल्की सी वाइब्रेशन एक सेकंड के लिए फील होती है ऑन और ऑफ होते हुए। इसके अलावा अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ट्रैक्शन ऑन ऑफ है, सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऑडियो को चेंज करना है, स्क्रीन आपको ऑन ऑफ करनी है, प्रोफाइल है, वैले मोड है, कनेक्ट करना है ऐप के साथ, तो ये सारी चीज़ें हैं इस कार में। नहीं तो अगर यहाँ पे इंटीरियर्स की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है, ये वाली चीज़ भी हार्ड प्लास्टिक है, ये थोड़ा कहीं ना कहीं ये भी हार्ड प्लास्टिक है बट ठीक है। बट अगर इसकी बात करें, ये पियानो ब्लैक फिनिश, ब्लैक और रेड का जो डिज़ाइन आ रहा है ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, इवन ये जो डोर हैंडल्स है मैट सिल्वर फिनिश में है और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और स्टाइलिश लगते हैं। जिस तरीके से फोक्सवैगन ने इम्प्रूव करा है अपनी क्वालिटी को, दैट मतलब ट्रूली हैट्स ऑफ टू देम। यहाँ पे आप देखें ट्वीटर्स है, नीचे स्पीकर्स का सेटअप मिल जाता है कार में, और वहां पे लॉक अनलॉक करने का भी देखेंगे अगर, तो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से प्रीमियम तरीके से बना रखा है।
इसके अलावा इस कार में आपको स्टीयरिंग कंट्रोल सारे मिल जाएंगे, क्रूज का है, वॉल्यूम अप डाउन है, सब कुछ है यार। आपको ब्लूटूथ से कंट्रोल पे, तो इवन हम खाली जगह में जाते हैं तो यार वहां पे तो क्रूज ऑफ कोर्स यूज होता है हमारी, जैसे हम लोग थक जाते हैं ड्राइव करते करते, एक नॉर्मल ह्यूमन एज यू नो कि थक जाता है, तो भाई क्रूज कंट्रोल है यार और बहुत स्मूथ है, कोई ऐसा भी नहीं कि कोई ग्लिच दे रहा हो, कोई इशू दे रहा हो बीच में। एसी की बात करें, मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बंदा डिस्ट्रैक्ट होगा अगर ड्राइव करते हुए चेंज करने हैं, ये पैनल्स थोड़े से कंफ्यूजिंग है और थोड़े छोटे हैं, बटन्स टच है नो डाउट, बट थोड़े से मेरे ख्याल ड्राइविंग में इशू आता होगा, देखना पड़ता होगा, मतलब ऐसे इंट्यूटिवली नहीं कर सकते हो आप चेंज, तो ठीक है बट ऐसा बहुत ज्यादा इशू आई डोंट थिंक होगा। बट हाँ छोटी छोटी चीजें हैं, मैट्स काफी ज्यादा प्रीमियम है, बकेट मैट्स हैं यहाँ पे। गौरव भाई लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या नेगेटिव्स लगे आपको इस कार में, ऑल्दो मैं अपनी कॉन्वर्सेशन से जान गया आपको बहुत ज्यादा चीजें खराब नहीं लगी, आप ऑन अ पॉजिटिव नोट ही हैं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू नो क्या एक दो चीजें हैं जो आपको इस कार में थोड़ी खराब लगी हो या नेगेटिव साइड पे लगी हो। भाई जैसे एसच तो देखो कोई प्रॉब्लम है नहीं यार, ठीक है, लेकिन आपके ऑडियंस को एक चीज एडवाइस करूँ, क्योंकि हर बंदा सेम नहीं होता यार, अगर आप एक बजट फ्रेंडली कार देख रहे हो तो वर्टस GT प्लस के लिए बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि यार ये गाड़ी बजट फ्रेंडली में तो बिल्कुल नहीं आती, आपका अच्छा खासा इसमें पैसा लगने वाला है अगर ये गाड़ी आएगी, क्योंकि ये गाड़ी इज इक्वल टू लग्जरी, ठीक है। और दूसरी बात ये है यार, वही चीज़ जो मैं अभी आपको बोल ही रहा था, माइलेज बहुत कम है, जैसे हाथी है तो हाथी को तो पालना पड़ेगा, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर बोला जाए तो मेंटेनेंस अगर रख सकते हो आफ्टर सेल्स, पेट्रोल का खर्चा उठा सकते हो तो ले लो 25 लाख रुपए, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपको 10 12 15 की माइलेज मिलेगी, वो हाईवे पे मिलेगी, बट सिटी में मतलब 7-8 और बाद में आपको मेंटेन करना पड़ेगा, पैसा खर्चना पड़ेगा पूरा। और अगर सर्विस की बात करें तो पेड सर्विस अभी तक हुई है क्या इस कार की? हाँ यार, इसकी पेड सर्विस एक हो गई है भाई, वैसे तो इसकी स्टार्टिंग की सर्विसेज कॉम्प्लीमेंट्री होती है, लेकिन उसके बाद हमने एक सर्विस कराई, तो इसमें हमारा भाई 40-50,000 तो लग गया, 40-50,000 रुपए, बिल्कुल भाई बहुत आराम से। तो भाई ये तो काफी ज्यादा हो गया मेंटेनेंस के हिसाब से अगर देखी जाए। मैंने यार एडवाइस किया कि अगर आप एक बजट फ्रेंडली कार देख रहे हो तो Do not go with this car. और भी बहुत अच्छी अच्छी कार्स हैं यार। तो भाई अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप 10 में से इस कार को कितना रेटिंग दोगे? यार 10 में से टू बी ऑनेस्ट 9 दूंगा, एक मार्क्स इसके काटूंगा, क्योंकि माइलेज बहुत कम है, और वही चीज़ है कि हर चीज़ में सब चीज़ नहीं मिल पाती, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, तो बस एक मार्क के वही, बाकी तो यार कोई इशू नहीं है। तो गाइस गौरव भाई ने सब कुछ बताया आज कि क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी उसको इस कार में, क्या क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी, क्यों आपको, कब आप ले सकते हैं कार और कब नहीं ले सकते, सब कुछ जाना आज के इस वीडियो में। तो अगर आपका बजट है 20 से 25 लाख और आपको ऐसा लग रहा है या वोटर्स GT लेनी चाहिए कि नहीं, आप नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे जरूर, और नहीं देंगे तो हम उनसे पूछवा के बिल्कुल आपको जवाब दे देंगे। सो दैट वॉज इट फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू सो मच गाइस, आपने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिखाया है इस कार पे, भर के आप प्यार और सपोर्ट दिखाइए, मैं ऐसे ही आपके लिए कॉन्टेंट बनाते रहूंगा। दैट वॉज योर होस्ट श्री खट्टर टेकिंग ऑफ, बाय बाय। हेलो गौरव भाई, कैसे हो आप? कैसे हो श्री भाई? यार अपने बारे में तो पता ही है आपको, हम सो हेलो गाइस। तो गौरव भाई अपने बारे में बताओ कुछ। सारा तो गाइस हमारे भाई गौरव ने सब कुछ बताया डिटेल में, क्या क्या चीजें उसको भाई टू पैसे से मतलब फॉर्च्यूनर चुप हो गई, पीछे रह गई, खत्म भाई, कट कट।